देश सेवा के लिए समर्पित 21 डोगरा बटालियन के सेवानिवृत्त व सेवारत परिवारों ने अपनी अपनी नेक कमाई से अपनी बटालियन की कुलदेवी शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में लाखों रुपए की लागत से तैयार हुआ 65 फुट ऊंचा झंडा माँ ज्वाला को समर्पित किया। इस मौके पर 21 डोगरा के अधिकारी गण और उनके परिवार विशेष रूप से मौजूद रहे। सबसे पहले उन्होंने माँ ज्वाला के दरबार में परिवार सहित शीश नवाया, हवन यज्ञ किया, झंडा पूजन किया। उसके बाद हलवे का भोग प्रसाद भी मंदिर के में माँ ज्वाला की प्रशंसा के लिए बांटा गया। 21 डोगरा के अधिकारियों और उनके परिवारों ने इस अवसर पर माँ ज्वाला से प्रार्थना की कि हमेशा ही माँ ज्वाला का आशीर्वाद उन पर सदा की तरह बना रहे। और जैसा कि सर्वविदित है कि डोगरा रेजिमेंट का युद्ध में गूंजने वाला नारा जय ज्वाला के उद्घोष से शुरू होता है, माँ डोगरा जोन के प्रत्येक पूर्व अधिकारी सेवारत परिवारों पर माँ ज्वाला की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी कामना भी की। मंदिर अधिकारी विचित्र सिंह का भी इस पुण्य कार्य में विशेष योगदान देने के लिए डोगरा बटालियन के अधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। इसके अलावा मंदिर के पुजारियों का भी पूर्ण रूप से उन्हें सहयोग मिला, जिस पर उन्होंने उनका भी आभार व्यक्त किया। आज नैना देवी के पास जो एक हेलीपैड बनना है उसकी साइट की हमने जॉइंट इंस्पेक्शन की है, जिसमें उपमंडल नैना देवी के सभी विभागों के जो अधिकारी थे वो इस निरीक्षण में शामिल हुए और आज हमने ये इसका संयुक्त निरीक्षण कर लिया है। इसके लिए क्योंकि ये जंगल की भूमि है, इसमें FCA के तहत केस को प्रोसेस किया जाना है, इसकी एक आवश्यक प्रक्रिया थी जो आज हमने पूरी कर ली है। सर ये काम कब तक पूरा हो जाएगा आपके इस हिसाब से? क्योंकि इसके लिए पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होती है, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस को हम यथाशीघ्र जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।